मैं आमिर मिंटोई मिंटोई मिनट्स के लिए आज आपके साथ हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान SM मुशरिफ साहब फॉर्मर IG महाराष्ट्र पुलिस हमारे साथ हैं और आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सर आपका खैर मकदम है हमारे शो मिंटोई मिनट्स के अंदर। सर पहले तो हम अपने ऑडियंस को आपसे मुतारफ़ कराना चाहेंगे। सर फॉर्मर IG रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, तो सर फिलहाल आपकी क्या मसरूफियात हैं? ज़्यादातर मैं बुक्स ही लिखते रहता हूँ। जी जी, और जो भी हालात हैं जी फिलहाल उस पर मैं बुक लिखते रहता हूँ। और सर काफ़ी जो है धमाकेदार बुक्स आपकी आती हैं, और आपने सर एक बुक आपकी आई थी हु किल्ड करकरे, तो सर उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे, वो लिखने की ज़रूरत पेश क्यों आई, क्या वजूहत थी, मुल्क के अंदर क्या हालात थे, और क्या जो एजेंसीज हैं या जो मीडिया है क्या वो नाकाफी था मुल्क को ये बताने के लिए कि हु किल्ड करकरे, तो आपको फिर ये रिक्वायरमेंट आई कि आप बुक लिखें जिसका नाम आप रखें कि हु किल्ड करकरे। जब वो बॉम्बे अटैक हो गया 2008 में, उस वक्त मुझे 3 साल हुए थे रेजिग्नेशन देके, मैं तब फ्री था। तो अटैक के बाद जो भी कुछ न्यूज़ आइटम्स आते थे न्यूज़पेपर में हो या टीवी पे हो, वो मैं बहुत गौर से देखता था। जी सर, एक 4 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शुरू में जो न्यूज़ आती थी और 4 दिन के बाद आने लगी, इसमें बात बहुत ज़्यादा तफावत है, फर्क है। तो फिर मैं उनका एनालिसिस करने लगा और मैं इस पर पहुंचा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं उसकी जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जानकारी मैंने हासिल की, और जब मैंने उनका पूरा एनालिसिस किया तब मुझे पता चला कि जो पुलिस की जो स्टोरी बताई जा रही है वो सच नहीं है, सच कुछ अलग है, कुछ मैनिपुलेट करके बताई गई है। तो फिर मैनिपुलेट उन्होंने क्यों की, इसके बारे में मुझे सोचने लगा। मैनिपुलेशन के पीछे कोई ना कोई मकसद है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मकसद मेरे सामने आया। तो सबको इकट्ठा करके मैंने एक किताब लिखी। अच्छा सर, तो मतलब आप सर ये कहना चाहते हैं कि मीडिया जो लोगों को बता रही थी उसके पीछे कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव के तहत कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन था, और जो रियल जो फैक्ट्स थे वो आम आवाम के सामने नहीं आ पा रहे थे, तो उसकी वजह से फिर ऐसा हुआ। वजह से नहीं, जो फैक्ट मैं बताना चाहूँ ना कि जो 26/11 का जी सर अटैक जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे अटैक, वो अटैक जो हुआ तो लोगों को ऐसा बताया गया कि पाकिस्तान एलईटी के 8 टेररिस्ट आ गए जी, और उन्होंने ताज ओबेरॉय नरीमन हाउस ये जो पार्ट है वहाँ अटैक किया जी, और उसी में से 2 लोग जी CST यानी जो रेलवे स्टेशन है जी बॉम्बे का सबसे बड़ा जी, वहाँ कामो हॉस्पिटल जी और एक वहाँ रंग भवन लेन करके लेन है जी, इसमें वही उसी में के 2 लोग आ गए जी सर। तो उनका कहना था कि 10 लोग थे, 8 वहाँ रहे और 2 यहाँ। लेकिन जब मैंने इसका एनालिसिस करने शुरू किया तो मुझे ऐसा पता चला कि ये सब गलत है। अच्छा, जो ताज ओबेरॉय और नरीमन हाउस पे अटैक हुआ जी सर, वो करने वाले LET के टेररिस्ट थे, रियल टेररिस्ट थे। लेकिन इधर CST कामा और रंग भवन इंडिया में जो अटैक हो गया वो कोई अलग थे। अच्छा, और उसका जब मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा की तो मुझे ऐसा पता चला कि इधर के जो लोग थे ये अभिनव भारत जी या बॉम्बे पुलिस के कोई ऑफिसर जी और ATS जो पहले हुए जी बम ब्लास्ट का जो जी तहकीकात कर रहे थे उसके कुछ अधिक ऑफिसर, इनका वो अटैक था।
A Brahminical sponsored, बोल सकते हैं उसको. Brahminical sponsored, then we can say traitors of Indian nationalism. हाँ, ऐसा हो सकता है, वो बोल सकेंगे. जी. कि जो एक बड़ी conspiracy कर रहे थे, इसलिए क्यों किया इन्होंने? जिनके against वो inquiry कर रहे थे. हाँ, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई से जो दूसरा अटैक करने की जरूरत क्यों महसूस हुई. जी. तो उसके बारे में जब मैं सोचने लगा और मैंने जब उसकी इंटेलिजेंस कलेक्ट की तो ऐसा पता चला कि जो पहले जो भी अटैक हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे 2002 से 2003 से लेके 2008 तक, ये अभिनव भारत, आरएसएस, जय वंदे मातरम और बजरंग दल जैसे ब्राह्मणवादी जो गुट हैं उन्होंने किए थे. जी. लेकिन आईबी जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है जी, वो जी, और मीडिया में जो ब्राह्मणवादी लोग छुपे हुए हैं उन्होंने मिल के उसे ऐसा बताया गया कि ये मुस्लिमों ने किया है. जी. और सब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने बदनाम कर दिया. सर, इंक्वायरी में मुझे ऐसा पता चला कि 2002-2003 के दरमियान अभिनव भारत नाम का एक संगठन का गठन हुआ था. अरे, इसमें कौन लोग थे? जो आरएसएस के हार्डकोर लोग थे. अच्छा. वो उसमें थे और उन्होंने इसका संगठन किया था. उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि ये जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तोड़ डालें, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे भी तोड़ डालें, और वेदों पर और स्मृति पर आधारित आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र, आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणवादी राष्ट्र, तो का निर्माण करें. तो क्या सर हम ये माने कि जो पहले, बहुत पहले, जो बिल्कुल जिसको मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा डाउन पीरियड जो था इंडिया का, जब ये ऊंच नीच और ये सब छुआछूत ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो क्या आज भी वो नैरो माइंडेड सोच एग्जिस्ट कर रही है मॉडर्न इंडिया के अंदर? नहीं है. वो ये करने का जो मकसद है, ये मकसद अलग है. अच्छा. ये जो ऊंच नीच लोग थे जी, जो इनको नीचा समझा जाता था जी, ये लोग अभी एजुकेटेड होके इनको समझ में आया था कि हमें इतनी हजारों सालों से जो हमारा पिछड़ापन है जी, उसकी वजह ये लोग हैं जी. तो ये उनके समझ में आया जी. और ये समझ में आने के बाद ये लोग इसका बदला लेंगे आगे चलकर जी. इसका डर ये ब्राह्मणवादियों को था. अच्छा. जो ऑपरेशन उन्होंने थी अराउंड 3000 इयर्स किया था, तो अभी हिस्टोरियंस कहते हैं लोगों को इनको समझ में आया है. अभी ये लोग पढ़ लिख रहे हैं तो इनको समझ में आया है, तो आगे चलकर ये लोग अपना बदला लेंगे जी. तो उनको बचने का एक ही रास्ता उनको समझ में आया, वो ये रास्ता ये था कि जो पिछड़े लोग हैं, जो नॉन ब्राह्मण, जिनको हम आम हिंदू बोलते हैं जी, वो आम हिंदुओं का ध्यान दूसरे तरफ डाइवर्ट करें. तो ये डाइवर्ट करने का उनको एक ही रास्ता दिखा कि वो था कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगा दिया. अच्छा. ये जो कम्युनल राइट हो गए, उसकी जो शुरू हो गए इंडिया में, उसकी मेन जड़ यहाँ से. अच्छा. और उसी का आगे का पार्ट जो है वो टेररिज्म का है. एक्सट्रीमिज्म देन टेररिज्म. हाँ. तो टेररिज्म तरफ उनका ध्यान दे, ताकि आम हिंदू के ध्यान में ये नहीं आए कि ये 3000 साल तक उनको कितनी जो तकलीफ दी गई वो भूल जाए. ये उसका मकसद था. तो ये जो बम ब्लास्ट होते थे, ये बम ब्लास्ट ये अभिनव भारत वाले करते थे. एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित करके थे, वो आर्मी इंटेलिजेंस में थे जी. वहाँ से वो आईडीएक्स चुराते थे. अच्छा. और फिर ये लोग इनकी पूरे देश भर में ये मीटिंग्स लेते थे जी. और जो लोग हिंदू राष्ट्र के फेवर में जी, यानी ब्राह्मणवादी राष्ट्र के फेवर में जी,
उनके मीटिंग्स लेके उनको अपना मकसद बताते थे और उनका सपोर्ट लेते थे, ये काम उनका चला था। नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा था। हाँ, नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा था। और ये नेटवर्क एस्टेब्लिश होने के बाद इन्होंने उसमें के जो कुछ जवान थे उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे दिया, जिनको क्रैश कोर्स बोलते हैं, ऐसा दे दिया बम बनाने का। RDF तो इनके पास था ही, तो इनको क्रैश कोर्स दे के उनको RDF दिया गया और उनको बम ब्लास्ट करने बोला गया। तो ये 2002 से 3 से जो बम ब्लास्ट शुरू हो गए वो सब इसी टाइप के बम ब्लास्ट थे। लेकिन बम ब्लास्ट होने के बाद ये IB और मीडिया में के जो ब्राह्मण्यवादी ग्रुप्स हैं ये मिल के ये मुस्लिम पर लात देते थे। मैं वही पूछना चाह रहा था सर कि ये सब इतना सब कुछ कर रहे थे तो जो एजेंसीज हैं हमारे मुल्क की, क्या उन एजेंसीज को नजर नहीं आ रहा था ये सब कुछ? वही तो बोल रहा हूँ ना, एजेंसीज ही पूरी ब्राह्मणवादी थी। जो IB में बोल रहा हूँ वो पूरी तरह उनको सपोर्ट करती थी, इसलिए उन्होंने उनकी जानकारी गवर्नमेंट को तो दी नहीं जी सर, हालांकि उल्टा उनको मदद की। अच्छा। हाँ, और ये कब तक चला रहा सिलसिला? जी, एक बम ब्लास्ट होता था जी, उसकी न्यूज आती थी जी, उसी के साथ IB के हवाले से दूसरी न्यूज आती थी कि ये कुछ कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, संगठन ने किया है। फिर जो स्टेट्स में जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स हैं जी, वो उनके ही बगल बच्चे हैं जी, तो वो कुछ मुसलमानों को अरेस्ट करते थे जी, उनके ऐसे ये डाले हुए वेल क्या मुंह बंधे हुए फोटोग्राफ्स लिए हुए, हाँ वो फोटोग्राफ्स आते थे, कुछ दिन के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट जाती थी और लोग एक ब्लास्ट भूले नहीं तब तक दूसरा ब्लास्ट होता था। तो ये सिलसिला चला रहा 2002 से लेके 2008 तक। इसके दरमियान 2006 में एक नांदेड़ में ब्लास्ट हो गया जी, RSS के और बजरंग दल के कुछ लोग, ये जो शॉर्ट कोर्स उनको दिया गया था ना जी जी, उसके मुताबिक वो एक बम ब्लास्ट बम बना रहे थे जी, तो बनाते समय वो फट गया प्रोडक्शन के टाइम। हाँ, प्रोडक्शन के टाइम, और दो लोग मारे गए, दो जख्मी हो गए जी। और जब जख्मी का जब नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया जी, तो उसमें सब बातें ध्यान में आई। अच्छा। लेकिन इतनी बड़ी बात भी मीडिया ने दबा के रखी, उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, और उसके बाद भी ये बम ब्लास्ट चले ही रहे। तो कहीं कोई सी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं नहीं आया? बहुत कम, सेंसर। वो सिर्फ नांदेड़ का जब ब्लास्ट हो गया जी, वो तब एक दो चार दिन के लिए आ गया जी, और वहीं बंद हो गया। अच्छा। और बम ब्लास्ट होने का जो सिलसिला है उसके बाद भी चालू रहा। अच्छा। बम ब्लास्ट होने के बाद मुस्लिम लोगों को अरेस्ट करना, उसे ज़्यादा पब्लिसिटी देना, ये चीज़ें जब चालू रही। ये कब तक? मालेगांव का 2008 का ब्लास्ट होने जी, 2008 के ब्लास्ट में नई चीज़ क्या हो गई? 2008 का ब्लास्ट सितंबर में हो गया, सितंबर जी, और उसके 3-4 महीने पहले या जून में महाराष्ट्र ATS के चीफ का तबादला हो गया और वहाँ पे करकरे आ गए। तो करकरे, हेमंत करकरे जून 2008 में ATS के चीफ बने जी, और सितंबर 2008 में बम ब्लास्ट हो गया। हमेशा की तरह IB ने उनको इनपुट भेजना शुरू किया जी, इन्होंने किया होगा, उन्होंने किया होगा, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो। करकरे बहुत ईमानदार आदमी था, वो बोला नहीं, मैं मुझे तो बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं। हाँ नहीं, उन पर इल्ज़ाम लगने दो, लेकिन उसने पूरे ऑनेस्टी के साथ जी, और बहुत खुल के उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वो बोले कि जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसे अरेस्ट नहीं करूँगा। तो उन्हें इसकी शुरुआत जो की, ये शुरुआत इसने सीन ऑफ द ऑफेंस, जहाँ ऑफेंस होता है वहाँ से की। वहाँ उनको एक मोटरसाइकिल मिली। तो मोटरसाइकिल का जब उन्होंने एग्जामिनेशन की तब उनको पता चला
कि इसी मोटरसाइकिल पर ब्लास्ट लगे हुए थे अपना एक्सप्लोजिव्स, तो फिर उसकी ओनरशिप कौन है, उसका मालिक कौन है? इनकी तहकीकात जब उन्होंने शुरू की तो उसका जो नंबर प्लेट था वो चेंज किया था जी, उसका इंजन नंबर भी चेंज किया था, उसका चेसिस नंबर भी चेंज किया था। ओके, तो फिर उन्होंने वो गाड़ी कंपनी को भेज दी जी, और कंपनी को बोलो मुझे इसका करेक्ट नंबर बता दीजिए। तो वो करेक्ट नंबर मिला, फिर उन्होंने डीलर से उसके ओनर का नाम लिया, तो वो ओनर थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साथी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो उसका नाम आती है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया जी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस था कि इतने हम ब्लास्ट करते आ रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया तो अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको अरेस्ट करते ही वो हड़बड़ा गई जी, और उन्होंने जो भी थे उनके नाम बताने शुरू किए गए। फिर करकरे ने ये 11 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे जी, मेजर उपाध्याय थे, दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, ऐसे 11 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। लेकिन ये 11 लोगों के अरेस्ट से अहम बात ये थी कि उन्होंने उनसे दो लैपटॉप बरामद किए। हाँ, तो लैपटॉप तीन बरामद किए, दो दयानंद पांडे से और एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से। दयानंद पांडे के जो लैपटॉप थे उसमें जो भी उन्होंने पूरे देश में मीटिंग्स ली थी जी, वो मीटिंग्स का वीडियो या ऑडियो जी, कुछ में वीडियो और कुछ में ऑडियो रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग्स लगे लैपटॉप्स में से उसमें उसे रखे थे उन्होंने। तो उसमें कुछ 24 ऑडियो और 24 वीडियो थे जी, ऐसा बाद में बताया गया जी। मतलब मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू है, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उन्होंने भी बताया जी। हाँ, उसका न्यूज़ भी आया था इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट जी। तो वो मीटिंग्स में जो भी मीटिंग्स थे उनका पूरा प्रोसीडिंग ही रिकॉर्ड किया गया था, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के पास थे जी, उसमें अमित ये जो अभिनव भारत थी उसकी पूरी जानकारी थी कि क्या है संगठन, क्या है इसका मकसद, क्या है जी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी। जैसे कि मैं बताया जी, ये जो अपना संविधान है उसको तोड़ना, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे उड़ा देना जी, और आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का स्तंभ ये करना। और ये करने के लिए सिर्फ ये इनका एक अकेले का एक संगठन का काम नहीं था जी, तो इनको कुछ फॉरेन पावर्स की ज़रूरत थी। अच्छा, तो उनके साथ उनकी जो भी बातचीत चली थी लाइक फंडिंग वगैरह और नहीं बाकी इसराइल के साथ उनकी बातचीत चली थी, नेपाल के साथ बातचीत चली थी, इंटरनेशनल नेटवर्क, हाँ इंटरनेशनल नेटवर्क जो नागा रिबेल्स हैं उनके साथ चली थी। अच्छा, तो उनमें क्या क्या बातचीत चली थी वो भी उसमें डिटेल्स। तो क्या वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी कोर्ट में है ना? सब रिकॉर्डिंग कोर्ट में है। अच्छा, तो ये जब रिकॉर्डिंग करकरे देखने लगे जी, तो उसमें बड़े बड़े नाम दिखने लगे, बड़े बड़े उनकी शक्लें दिखने लगी वीडियो वीडियो में, देश के बड़े बड़े लोग दिखने लगे जी। तो करकरे क्या करते, एक आधा वीडियो देखते और उसमें जो भी दिखते थे उसमें बुलाते जी, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको अरेस्ट कर देते, ये सिलसिला शुरू हो गया। ओके, तो इससे उसमें इनके से बहुत हड़बड़ मच गई ये ब्राह्मण लोगों में। उस टाइम हम देख रहे थे मीडिया में काफी न्यूज आ रही थी कि कई बड़े नाम एक्सपोज हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो फिर आईबी भी डर गई जी, कि आईबी को लगा कि इतना बड़ा चला है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमारा भी नाम आ जाएगा। ओके, तो ये सब लोग डर गए और करकरे पर हर तरह का प्रेशर लाने की उन्होंने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर लाया, रिलीजियस प्रेशर लाया, उनको पैसों का भी कुछ ये दिया, लालच दिखाया, घर के उनके लोगों को मारने की धमकी दी, फिर भी वो नहीं दबे, उन्होंने अपना काम शुरू ही रखा जी।
तब उनको लगा कि अगर ये नहीं सुन रहा, अगर ये ऐसा ही काम शुरू किया तो हमने इतना जब बड़ा आज तक हजारों साल से जो बना के रखा है ये सब खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने, उनकी एक मीटिंग में ऐसा फैसला हुआ था फरीदाबाद की मीटिंग में, वो भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उसकी भी रिकॉर्डिंग? हाँ, वो भी कोर्ट में है, वो भी कोर्ट में है जी। कि भाई जो ऐसे हिंदू राष्ट्र के आड़ा जो आएगा जी, उसे हम खत्म ही करेंगे। जो भी बैरियर बनकर आएगा सर, जो भी बैरियर, तो वो तो उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ही लिया था। तो उस पॉलिसी डिसीजन के मुताबिक उन्होंने इनको खत्म करने का फैसला किया। तो आईबी, अभिनव भारत, आरएसएस, इनकी ये बातचीत चली थी। ये सब बातें जो हैं ये नवंबर महीने की बातें हैं, नवंबर 2008 की, नवंबर 2008। हाँ, तो ये बस सब बातें चली थी। अरेस्ट करना चला था, करकरे पर प्रेशर लाना चला था, करकरे का इन्वेस्टिगेशन भी चला था। ये सब जब बातें चली थी, तभी 18 नवंबर को अमेरिकन एक एजेंसी ने रॉ करके, अपनी जो फॉरेन एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको न्यूज़ दे दी कि पाकिस्तान की एलिट की एक शिप जी, उनके टेररिस्ट को लेके बॉम्बे के कुछ होटल पर अटैक करने के लिए निकल चुकी है। अच्छा, मतलब बॉम्बे अटैक की इन्फॉर्मेशन पहले आ गई? आ गई 18 तारीख। ओके। और उनके जो लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड हैं ये हैं। अच्छा, और ये 5-6 दिन में पहुंच जाएंगे। मतलब लाइव लोकेशन भी उनकी ट्रेस हो गई, ट्रेस हो गई थी। और उनको बोला कि तो फिर तो उनको रोका जा सकता था। हाँ, तो ये तो रॉ को इन्फॉर्मेशन मिली, रॉ तो फॉरेन एजेंसी, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। उन्होंने बोला ये तो हमारा काम नहीं है, इंटरनल इश्यूज, तो इंटरनल इसका है। तो उन्होंने 19 तारीख को, दूसरे दिन 19 नवंबर 2008 उन्होंने जो इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इंटरनल आईबी जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो है जी, वो बोले ये तुम्हारा काम है, ये लोग आ रहे हैं और इनका लोकेशन ये है। दूसरे दिन लोकेशन चेंज हो चुका था जी, तो पहले दिन 3024 कुछ था जी, दूसरे दिन 2467 ऐसा हो गया जी। तो उन्होंने वो चेंज लोकेशन दे दिया जी, इस लोकेशन पे आए हैं जी, और ये 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे जी, तो आप जो भी है इंतजाम कीजिए। तो उनका ही काम था, एप्रोप्रिएट एक्शन जो भी लेना है। तो अभी आईबी ने क्या करना चाहिए था जी, आईबी ने इंफॉर्मेशन इमीडिएटली बॉम्बे पुलिस को देनी चाहिए थी, ऑब्वियसली, कि उनके पर अटैक करने जा रहे हैं एटीएस। उसके पहले एक महीना जी, जो वेग टाइप के इंफॉर्मेशन थी जी, कि टेररिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है जी, वो इसे भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, ऐसे उन्होंने 10 बार किए। अच्छा, लेकिन ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उन्होंने बॉम्बे पुलिस विद लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन, विद लाइव लोकेशन जी, वो नहीं दी, वो नहीं दी। हाँ, उसके इसके अलावा रॉ ने उनको मोबाइल फोन के नंबर दिए थे जी, ये एलईटी के लोगों को जी, इंडियन सिम कार्ड में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनको इंडिया के सिम कार्ड चाहिए रहते हैं। अच्छा, लेकिन सिम कार्ड मिलाना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। तो और बहुत तो वो ढूंढते हैं, ये रॉ ने देखा, और रॉ ने अपने इंफॉर्मेंट जो रहते हैं जी, बातमीदार वो जी, उनके थ्रू 35 मोबाइल उन पर प्लांट किए थे पहले ही, वहाँ पहुँचवाए पहले ही किए थे जी जी, ओवर द ईयर्स, यानी 1-2 साल में ऐसे किए थे जी। जब ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आईबी को दे दी 19 को, उसके 2 दिन बाद 21 तारीख को उन्होंने उनको ये 35 नंबर्स एक ऑफिशियल नोट द्वारा दी रॉ ने आईबी को, आईबी को कि भाई ये वो आ रहे हैं, उनका लाइव लोकेशन तो हम आपको दे रहे हैं जी जी, यूएस एजेंसी की मदद से, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आप दे रहे हैं कि उनके पास हमने 35 मोबाइल्स प्लांट किए हैं, इसमें से कुछ वो आते समय इस्तेमाल कर सकते हैं मे बी,
तो आप उनको सर्वेलेंस पे रखो जी, तो उससे क्या होगा, आपको उनका पूरा प्लानिंग पता चलेगा, बातचीत रिकॉर्ड। तो बाद में सब अटैक होने के बाद आईबी ने बोले कि हमने वो भूल गए रखना। आईबी जो हरेक का, जो अपने गली कुचे के आदमी का फोन भी थोड़े शक पर इस पर रखती है, सर्वेलेंस पे रखती है, वो एलईटी के प्लांट किए हुए 35 मोबाइल का नहीं रखेगी, ये कोई बिलीव नहीं कर सकता। तो सर ये आईबी ने कहां बोला कि हम भूल गए, मतलब कोर्ट में बोला? कोर्ट में बोला नहीं, जब ये सब मामला हो गया ना तब उन्होंने बोला कि भाई हमने भूल गए, और बाद में वो करकरे मरने के बाद फिर उन्होंने शुरू किया करके उसका रिकॉर्डिंग कर दिया, वो छोड़। बात यह है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन पास नहीं करी, पास नहीं की, और ये टेलीफोन हमने भूल गए सब बता दिया जी। लेकिन हाला सच देखे तो उन्होंने सर्वेलेंस पर रखे थे जी, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती थी जी वो दूसरे को कैसे देते थे। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने बॉम्बे पुलिस को नहीं दी ओके, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अभिनव भारत के लोग जो करकरे को मारना चाहते थे जी उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ऐसी ऐसी बोट निकल चुकी है, वो 5-6 दिन में बॉम्बे में आ जाएगी, तब तक काफ़ी वक्त है, तो आप कुछ ना कुछ इंतज़ाम कीजिए और एक पैरेलल अटैक का आप प्रिपरेशन कीजिए। सर यू आर सेइंग दैट इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो अगेंस्ट द इंडिया वर्क कर रहा है किया। इट इज़ वेरी शॉकिंग। हाँ, उन्होंने किया, उनको आने दिया जी, क्योंकि उनको पैरेलल अटैक करना था और करकरे को मारना था जी। अगर करकरे जिंदा रहते तो सबकी पोल खुल जाती थी, आईबी की भी पोल खुल जाती थी, तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए आईबी ने अपने खुद को बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को धोखे में लाया, बिगेस्ट क्राइम। और फिर उन्होंने बता दिया कि तुम तैयारी में रहो, उसके मुताबिक उन्होंने वो लोग तैयारी में रहे, 4-5 दिन थे, काफी टाइम था तैयारी करने, उन्होंने तैयारी की, उनको हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन लाइव लोकेशन मिलता था, उनका प्लानिंग क्या था वो उनको टेलीफोन से पता चलता था जी। तो इससे उनको सिंक्रोनाइज करना, एक साथ दोनों अटैक करना वो पॉसिबल। लोग पूछते हैं कि भाई दोनों अटैक एक साथ कैसे हो गए, तो इतनी इंफॉर्मेशन जब मिलती है जी, उनका कॉन्वर्सेशन भी पता है जी, उनका लोकेशन भी पता है, तो फिर पैरेलल अटैक करना कोई मुश्किल नहीं था ओके। तो उन्होंने वो पैरेलल अटैक किया, तो वहाँ CST कामा और रंग भवन में एक साथ अटैक शुरू हो गया ओके। CST कामा और रंग भवन में एक साथ अटैक शुरू हो गया, करकरे घर घर में थे जी। अच्छा, वो अपने ऐसे ही ऑफिस से घर गए थे जी, 10:15 बजे उनको किसका फोन आया, किसी का फोन आया पता नहीं, लेकिन फोन किसी का आया ये अभी तक नहीं पता। हाँ, टिल डेट नहीं, उनका जो मोबाइल था जी, वो मोबाइल का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, मोबाइल को इन्वेस्टिगेशन में लिया ही नहीं। अगर उसको इन्वेस्टिगेशन में लेते, हमारे ऑर्डिनरी आदमी का भी जब मर्डर होता है जी, तो पहले उसका मोबाइल रिकॉर्ड लेते हैं, बिल्कुल, उसके पहले आखिर में कौन बोला जी, 3-4 दिन कौन बोलते रहा जी, किससे ज़्यादा बातचीत हो, देखते हैं, इसका मोबाइल ही नहीं दिया। तो मोबाइल से उनको बुलाया गया जी, वो जहाँ CST के पहले जे फ्लाईओवर करते हैं वहाँ आए, वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे, वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी ओके। तो वहाँ रघुवंशी थे जी, रघुवंशी जो पहले ATS के चीफ थे, और जिन्होंने पूरे सब गलत जो इन्वेस्टिगेशंस किए थे उन्होंने किए थे। अच्छा, हाँ, तो वो उनका इंतजार, राजीव उनका इंतजार करते खड़े थे, जैसे वहाँ खड़े थे। वो उस टाइम क्या पोजीशन होल्ड कर रहे थे सर? वो रेलवे के ये थे। अच्छा, रेलवे में चले गए। तो रेलवे का बंदा टेररिस्ट अटैक के टाइम वहाँ स्पॉट पर नहीं, हाँ, तो CST का अच्छा ये था, उस वजह से आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने करकरे को ऐसा बताया, वो भी वीडियो है मेरे इस पे, कहाँ जा रहे हैं, टेररिस्ट कहाँ जा रहे हैं,
अगर टेररिस्ट उधर गए हैं तो ये खुद क्यों नहीं गया पहली बार, बिल्कुल, और फिर उनके साथ क्यों नहीं गया जी, तो ये बहुत शक की बात है। तो ये वहाँ ये वीडियो है सर, वो लोकेशन, हाँ लोकेशन दिखा रहा है, वो सीसीटीवी दूसरी बुक है जी, उसके साथ मैंने सीडी जो दी है जी उसमें है वो। अच्छा हाँ, तो उनको गली में भेजा गया और फिर वहाँ जाके ये हो गए, वही उनको मारा गया, ये उसकी फैक्ट है। तो अभी आप पूछेंगे कि भाई ये सब अपनी अमेरिकन एजेंसी ने इंफॉर्मेशन दी, उसके लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड ये थे, फिर वो रॉ ने फिर वो आईबी को दी, आईबी ने बॉम्बे पुलिस को नहीं दी, आईबी ने 35 मोबाइल्स रॉ ने आईबी को दिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमला होने के बाद रॉ ने शोर मचाना शुरू किया दिल्ली में जी, कि भाई इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे के हमला हुआ ही कैसा जी। तो फिर उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे जी शिवराज पाटिल, उन्होंने इमीडिएटली एक कमेटी फॉर्म की, इंक्वायरी कमेटी, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी, और उनको बोला झट से मुझे इंक्वायरी करके रिपोर्ट चाहिए, बहुत सीरियस मामला है। ओके, वो भी ईमानदार लोग होंगे, उन्होंने भी झट से इंक्वायरी पूरी की और सच रिपोर्ट दे दिया। अराउंड कितने टाइम में सर? 8-10 दिन के अंदर। अच्छा, 8-10 दिन के अंदर इंक्वायरी हो गई। ये रिपोर्ट का जब पता चला है आईबी के लोगों को जी, और जो बाकी लोग थे जी इन्वॉल्व इसमें पूरे उसमें, तो वो तो डर गए जी। तो फिर उन्होंने, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि उन्होंने वो रिपोर्ट को दबा दिया। अच्छा, उनको सामने आने नहीं दिया गवर्नमेंट के सामने। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जी जो अपना लीडिंग न्यूज़पेपर है जी जी इंडिया का जी, और तहलका मैगजीन, इन्होंने अंदर से वो रिपोर्ट हासिल की, लीक कर ली, और वो उन्होंने अपने छाप दी। ओके, तो इससे पता चला कि ये सब था। तो ये जो मामला है करकरे को क्यों मारा, इसकी वजह ये है। और फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो डू यू रिमेम्बर सर, ये तहलका और इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट कब छपी थी? ये दिसंबर 2008 और जनवरी 2009। ओके, हाँ, इस बीच में छपी? नहीं, बीच में नहीं, थोड़े थोड़े उस इंडियन एक्सप्रेस के जो तीन हैं जी, अभी मुझे तारीख भी है, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर और 26 दिसंबर। ओके, ये तीन इंडियन एक्सप्रेस के ये हैं, और 19 जनवरी का तहलका है। तहलका का, हाँ। ओके, तो फिर रिपोर्ट आई और फिर वो इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं कि उन्होंने रिपोर्ट भी दबवा दी। इतना सब कुछ आपको पता है, एविडेंसेस आप कह रहे हैं मौजूद है, मीडिया छाप भी रही है, तो ये सब चीज़ें कोर्ट में क्यों नहीं गई? लेकिन शायद उसका जवाब आपने दे भी दिया कि जब इतने पावरफुल लोग हैं कि रिपोर्ट ही पूरी दबवा दे रहे हैं, तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और कौन इतनी हिम्मत करेगा कि कोर्ट में जाए? नहीं नहीं, कोर्ट में तो देखो, मेरी किताब पढ़ने के बाद जी, बिहार के एक एमएलए, एक्स एमएलए बूढ़े थे बेचारे जी, तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जी एक पीआईएल डाल दी। ओके, हाँ, कौन सर? राधाकांत यादव ने डाल दी जी, अगस्त में, हाँ जुलाई या अगस्त 2010 में डाल दी। ओके, तो 17 अगस्त 2010 को कोर्ट ने जब देखा तो कोर्ट ने बोला तो ये तो सच लग रहा है, तो कोर्ट ने नोटिस भी इश्यू किए। ओके, पीआईएल एक्सेप्ट हो गई? एक्सेप्ट नहीं हो गई, बल्कि नोटिस इश्यू के में प्राइमा फेसी कोर्ट का कन्विंस हो गए कि भाई कुछ है, आगे प्रोसीडिंग बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ओके, इन तीनों को नोटिस दी थी कि आपके जवाब हमें 4 हफ्ते में मिलने चाहिए। ओके सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 8 साल तक जवाब नहीं दिए। 4 हफ्ते और 8 साल? 8 साल, और आखिर में कोर्ट ने अभी ये मामला ख़त्म हुआ है करके क्लोज कर दी केस। मतलब कोर्ट को आई थिंक एक्शन लेना चाहिए उधर, जिधर से जवाब नहीं आ रहा है, 4 हफ्ते का ऑर्डर पास हुआ और 8 साल तक नहीं आया, और कोर्ट ने उसे क्लोज कर दिया। क्लोज कर दी,
तो जब एक कोर्ट का मामला चला था, 6-7 साल हुए थे कोर्ट कुछ नहीं कर रही थी, तब मैंने दूसरी किताब लिखी जी, 26/11 प्रो, व्हाई जुडिशियरी ऑल्सो फेल्ड जी, जुडिशियरी भी फेल क्यों हो गई जी, इसके बारे में मैंने लिखा जी। तो उसमें मैंने सब ये लिखा है कि कोर्ट कैसी फेल हो गई, उसके रूट कॉज, कोर्ट ने ये करना था ये, तो वगैरह। तो उसमें मैंने एक सीडी दी है। ओके, क्या वो सीडी में मैंने बताया उस रात को क्या हुआ एक्चुअली जी। तो जो उस वक्त लाइव टेलीकास्ट हुआ काफी चीजों का, वो मैंने बताया है। ओके, और पुलिस स्टोरी क्या बताती है वो बताया है। okay. और उनका कॉन्ट्राडिक्शन, वो एक दूसरे के खिलाफ है, पुलिस की स्टोरी और रियल जो हो गया आप बता रहे हैं। हाँ, वो भी उसके बीच में काफी चीजें उसमें बताई हैं, आईबी का रोल इसमें सब बताया है, वो दूसरी किताब थी उसमें बताया है। तो ऐसी काफी एविडेंस इस केस में है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, मालेगांव 2008 के केस में। तो मालेगांव 2008 में पहले कौन अरेस्ट हो गए, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी। प्रज्ञा सिंह के खिलाफ पहला एविडेंस क्या मिला, मोटरसाइकिल बाइक जी। फिर उन्होंने वो वीडियोस देखे जी, तो वो वीडियोस तो काफी थे, पूरा उनका जो वीडियोज है ना, उनका हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट था वो जी, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हो गया, सब पूरा एविडेंस था जी। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के इसके कंसर्न जी, चार वीडियो थे। ओके, एक चार वीडियो में कॉन्स्पिरेसी कैसी रची गई जी, उसकी इंफॉर्मेशन थी। तो मालेगांव ब्लास्ट का पहली कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग अप्रैल 2008 में भोपाल में हुई। ओके, उसमें सब थे जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित था, अपने मेजर उपाध्याय थे, दयानंद पांडे थे, समीर कुलकर्णी, ये सब लोग ऑल्टर सभी ने 8-10 जो थे वो थे। तो उस मीटिंग में यह तय हुआ कि मालेगांव में मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ ब्लास्ट कराएं पहले। अच्छा, तो ये तय हुआ। तय होने के बाद कर्नल पुरोहित बोले कि उसके ये जो एक्सप्लोजिव हैं वो मैं दे दूंगा। प्रज्ञा सिंह बोली कि उसके लिए जो मैं लोग चाहिए वो मैं दे दूंगी, मेरे पास अच्छे लोग हैं। तो ये तय हुआ, मीटिंग खत्म हो गई। उसके 2 महीने बाद जून में इंदौर के रेस्ट हाउस में दूसरी मीटिंग हुई गई इसी मामले में, इसी इशू को लेकर। तो उस वक्त अपने प्रज्ञा सिंह जी सर अपने 2 लोगों के साथ में लाई थी। ओके, रामजी कल संग्रह आदमी देने के लिए कहा था, रामजी कल संग्रह और संदीप डांगे, उनकी उसने पहचान करा दी। उनका बॉस था वो ये क्या दयानंद पांडे, उनसे पहचान करवा दी। वो बोली कि ये मेरे भरोसे के आदमी है और बहुत अच्छे आदमी है, कौन सा भी काम कर सकते हैं, तुम इनको मैं आपको हवाले करती हूँ करके उन्होंने दे दिया पहचान। फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग जुलाई महीने में फिर से इंदौर में हुई, दूसरी भी मेरे, तीसरी भी जुलाई में जी। तो उसने दयानंद पांडे को बोला कि मैंने 2 लोग दिए हैं, अभी तक उनको RDX नहीं मिला। अच्छा, तो आप कर्नल पुरोहित को आदेश दो कि उनको आप ये दे दें, सप्लाई दे, RDX दे दें जी। फिर चौथी और आखिरी मीटिंग हो गई अगस्त में उज्जैन में जी। उस मीटिंग में कर्नल पुरोहित भी थे, बाकी सब लोग थे। कर्नल पुरोहित ने अपने असिस्टेंट को बोला कि ये 2 लोगों को पुणे में ये दे दो, RDX दे दो। तो फिर ये रामजी कल संग्रह और ये जो थे जी, ये पुणे गए जी। 3-4 दिन अगस्त 8-11 तारीख तक पुणे में रुके। ओके, और RDX लेके आए और सितंबर में ब्लास्ट हो गया। तो ये चारों मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, अभी वो कोर्ट में हाजिर किए होंगे, उनका ट्रांसक्रिप्ट जी। और वो चार्जशीट में भी लिखा है कि हमारे पास ये
एविडेंस ये मीटिंग के वीडियो और ऑडियो में ये मीटिंग का सब प्रोसीडिंग है करके जी. अभी इतना पुख्ता सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है ऐसा जो जी. मीडिया में आता है उससे मुझे ताज्जुब होता है. प्रज्ञा सिंह ठाकुर मीडिया में बोल रही है कि मेरे अगेंस्ट ऐसे ऐसे हुआ, मुझे असॉल्ट किया गया और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखो किया. समझ लो असॉल्ट किया, बाकी सब हुआ जी. लेकिन ये चार वीडियो किसने बनाए? तुम्हारे मीटिंग्स के वीडियो तुम्हारे लोगों ने खुद बनाए और आप उनकी लैपटॉप में मिले जी. लेकिन सर इस पूरे आपकी बात को सुनने के बाद सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि आपने बताया हेमंत करकरे के अगेंस्ट इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, मतलब जब आप इतना खुलकर बोल रहे हैं तो आपको भी खतरा नहीं हो सकता? मुझे खतरा नहीं हो सकता जी, वो बुक है ना वही मेरा प्रोटेक्शन करेगा. अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये दबा के रखा है ना, सब बाहर आ जाएगा. जी सर. और दूसरी चीज सर ये कि आपने जैसे बताया कोर्ट का जो आपने बताया जो हुआ, तो सर जब इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस डिपार्टमेंट का रोल आपने बताया, उसके बाद जो सहारा बचता है किसी भी सिटीजन के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ बचता है, और कोर्ट ऑफ लॉ का भी आपने बताया, तो इसका मतलब सर जो आम आदमी है, जो आम सिटीजन है इंडिया का, तो वो फिर कहाँ जाए और कहाँ जाकर इंसाफ मांगे या कहाँ जाकर प्रोटेक्शन मांगे, वो किससे उम्मीद करे? आखिर तो कोर्ट से ही करनी चाहिए. लेकिन कोर्ट का तो आपने बताया सर 8 साल चार कोर्ट को डराया जाता है जी. क्या है पाकिस्तान और टेररिज्म ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जी, ये दोनों वर्ड्स यूज करके डराया जाता है जी. किसी तरह से कोर्ट के दिल में से ये डर निकाला दिया जाए जी, और कोर्ट को एक कन्विंस किए कि भाई ये आईबी जानबूझ के करती है जी, इनका एजेंडा अलग है जी. ये कुछ पाकिस्तान का डर और जो टेररिज्म का डर दिखाती है जी, ये उनको जो सेक्टोरियल उनका ये है उसके लिए करती है, तो आगे चलकर कोर्ट में बदलाव आ सकता है. लेकिन सर आपकी बात सुनकर जो मुझे अंदाजा हुआ कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी के लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, तो उसी सर्टेन आइडियोलॉजी के लोग तो कोर्ट ऑफ लॉ में भी हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं जी. लेकिन ये केसेस के बारे में वो आइडियोलॉजी का इफेक्ट नहीं है जी जी, ये डर का इफेक्ट इफेक्ट है. बट एट द सेम टाइम एक सर्टेन ग्रुप है, खुद उसमें साधी प्रज्ञा सिंह जो है वो लीड रोल प्ले कर रही है, और हेमंत करकरे का कैरेक्टर असैसिनेशन होते हुए नजर आ रहा है. एक देश का शहीद, देश के ऊपर जान निछावर करने वाला एक अमर शहीद, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है. ये जो लाइक जो यंग ब्लड है जो ये ख्वाब देखता है कि हम यूनिफॉर्म में हों, जो यूनिफॉर्म में आकर के और कंट्री की सेवा करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको मायूस करेगा कि मतलब हम कंट्री की सेवा करें और मुल्क के लिए जान दें और उसके बाद फिर हमारा इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन होगा? वो भी ऐसे लोग कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे जो कन्विक्टेड है? सब जो पूरी सच बात है जी सर, वो आवाम के सामने लानी चाहिए तो ये सब बंद हो जाएगा. देखो उन्होंने क्या बोला कि उनको मैंने शराब दिया था जी, कर्ज किया, वही सर हाँ कर्ज किया था तो मर गए, तो उनका ये हाफ ट्रूथ बोलते हैं, आधा सच है जी. उन्होंने बोला कि हमने उनको शराब दिया था या कर्ज किया था इसलिए वो मरे, ये आधा सच है जी. पूरा सच ये है कि हमने उनको साजिश करके मारा, ये पूरा सच है. तो ये पूरा सच अगर आवाम के सामने लाएंगे तो कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है? लोग डर के ब्राह्मणिकल फोर्सेस आईबी को डर के पूरी बात आवाम के सामने नहीं डरते हैं, और इसलिए क्या हो रहा है कि फिर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है. अगर पूरा करकरे को कैसा मारा जी, और इंटेलिजेंस कैसा दबाया गया जी, पैरेलल अटैक कैसा किया गया, ये सब बातें सामने लाई जाए जी, तो ये चुपचाप हो जाएंगे ना? बिल्कुल. तो ये कोई सामने लाने कोई तैयार नहीं. लेकिन सर आपकी वही है, आपकी बातें सुनने के बाद सर मुझे नहीं लगता कि कोई हिम्मत करेगा, और शायद अगर कोई करे तो हेमंत करकरे जैसा इंसान जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, उसके अगेंस्ट अगर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है तो एक आम नागरिक कैसे, मतलब हाउ कैन इज दिस पॉसिबल कि वो इनसिक्योर फील ना करे? नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन
वो भी इतनी बड़ी लड़ाई में। नहीं, इसलिए मैं क्या बताऊँ, सच सामने लाया जाए तो ये लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे जी जी, और फिर सिक्योरिटी आपसे आप आ जाएगी जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी रिसेंटली आपकी एक बुक आई है सर, एक और नई बुक आपकी आई है, आई थिंक मुझे उसका पूरा नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी, बॉम्ब मुस्लिम्स हैंग्ड, मुस्लिम्स हैंग्ड। तो जो बातें आपने कही उस इस किताब के नाम का जो मैं सवाल करना चाह रहा था, काफी चीजें तो उसमें खुल गई, फिर भी अगर कोई चीज रह गई है तो सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें। कुछ नहीं, मैंने जो बताया वही बातें उसमें है कुछ ज्यादा, कि जो बम ब्लास्ट हो गए जी, मैंने उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करे तो ब्राह्मणवादियों ने धमाके किए और मुस्लिम लटकाए गए, ऐसा डिस्क्राइब किया, वही बातें उसमें थोड़ा डिटेल में दी है, और ज्यादा डिटेल्स में है। तो ये बुक अमेजन के ऊपर मौजूद है, अमेजन पर। हम अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर की ये नई किताब आप लोग लें और बाकी चीज़ें जानने की कोशिश करें, इसको डिटेल में पढ़ें, और नो डाउट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जो भी कॉन्स्पिरेसीज या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ने में है, और सिलेबस से अलग हट के बाकी नॉलेज गेन करना और अपने सिस्टम को जानना, अपने सराउंडिंग्स को जानना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सर शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए, टाइम देने के लिए।